आज मैं ढाबे वाली आलू चना बनाऊंगी। ये मैंने चार प्याज है जिसको छीलकर साफ कर लिया है, और ये चार आलू है जिसको छीलकर साफ कर लिया। ये अंकुरित चना है, और ये हरा धनिया है, और ये जो है लहसुन है, और दो हरी मिर्च है, और ये जीरा है। वह मसाला तैयार करेंगे। थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर। अब इसका एक पानी डालकर घोल तैयार कर लेंगे। अब हम गैस को जलाएंगे और इसके ऊपर कुकर रखेंगे गर्म होने के लिए। अब इसमें हम तेल डालेंगे सरसों का थोड़ा सा। तेल गर्म हो गया, अब इसमें हम तड़का के लिए जीरा डालेंगे। चना इसमें डालेंगे। और इसी के साथ एक जो अदरक और उसके रखना है इसको डालेंगे। कितना सुंदर लग रहा है देखने में। दो मिनट तक भूनने के बाद हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब इसको दो मिनट तक भूनेंगे। मसाला इसमें डाल देंगे। दो मिनट तक इसको मसाले के साथ भूनेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के सीटी लगाएंगे। मसाला अच्छी तरह से पक गया है चने के साथ। देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। पानी डालकर और चार सीटी लगाएंगे। ये कैसे गैस निकल गया है। अब हम इसको खोलेंगे। तो
यही जो कटा हुआ प्याज है इसमें डालेंगे। अब इसको इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे 5 मिनट। अभी तैयार हो गया है अच्छी तरह से। इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे और नींबू। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। काली मिर्च अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। मेरा फटाफट सुबह का नाश्ता तैयार चाय के साथ।